स्वामी रामदेव महाराज जी और आचार्य बालकृष्ण जी की सपनों की एक जीती जागती मिसाल, FMCG की दुनिया में क्रांति लाने वाला एक नाम पतंजलि। आज देश और दुनिया में पतंजलि को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सेवा के कार्य का दूसरा नाम है। झारखंड, झारखंड राज्य की राजधानी रांची अपने डिस्ट्रीब्यूटर से स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी के जरिए इस पतंजलि सेवा कार्य को दिन रात अपने मेहनत से आगे बढ़ाए हुए हैं। इस महान कार्य को अपने कंधों पर श्री छवि विरमानी जी और उनके सुपुत्र श्री वरुण विरमानी जी बड़े ही भक्तिभाव से अपने कुल 125 वर्कर की टीम के साथ कार्यरत है। आइए आगे हम सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के सबसे बड़े पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर प्लेस जो स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी है, इसके पूरे कार्य को नज़दीक से जानते हैं। पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स को उनके वर्ग अनुसार पंक्तियों में, रैक्स में क्रमवत सजा कर रखा जाता है। पैकिंग एरिया से लेकर मेन गोडाउन तक फूड और नॉन फूड सभी प्रोडक्ट्स को फीफो विधि द्वारा ही रख रखाव किया जाता है। स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी की दिन के कार्य की शुरुआत हो चुकी है। मार्केट से पिछले दिन जो भी ऑर्डर आए थे उसे उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए ड्राइवर और असिस्टेंट हेल्पर अपनी कतार पर खड़े होकर अपने पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहां वे सिक्योरिटी चेक के जरिए अंदर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में आते हैं, फिर एक एक करके अपने दिन का अटेंडेंस बनाते हैं और अपने बांटे हुए रूट पर सामान की डिलीवरी के लिए निकलने को तैयार होते हैं। गाड़ी को पूरी तरह बाहर निकलने से पहले गेट पास के जरिए सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। उत्पाद की डिलीवरी का कार्य प्रतिदिन 24 गाड़ियों द्वारा किया जाता है। सभी गाड़ी निकल जाने के बाद सिक्योरिटी मेन गेट बंद करके अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। पतंजलि के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, कह सकते हैं अगर ये है तो बहुत कुछ है, इनको हम DSM कहते हैं। DSM यानी डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन। मार्केट से ऑर्डर लाने और पतंजलि के उत्पाद को लोगों तक जोड़ने की स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी इनकी बहुत सराहना करता है। सिक्योरिटी चेक के जरिए ये अंदर जाते हैं, अपने अपने अटेंडेंस बनाते हुए अपने डिवीज़न के अनुसार SO यानी सेल्स ऑफिसर की निगरानी में आज मार्केट की रणनीति बनाते हैं। किस प्रोडक्ट पर आज इनको फोकस रखना है, कैसे इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। आज हम लोग का फोकस ब्रांड डायपर है। मार्केट में आज हम लोग को डायपर पर फोकस करना है, है ना। हर एक आउटलेट में डायपर जो है वो होना चाहिए। मार्जिन इसका आपको पता है, इसमें आपका इंसेंटिव क्या चल रहा है वो भी आपको पता है। अभी 10% स्कीम दे रहे हैं, तो हमको आज हर एक आउटलेट में डायपर बेच के आना है, ठीक है। कहीं यदि आपको लग रहा है जहाँ डिस्प्ले लगाना है वहाँ आप डिस्प्ले लगा दीजिए, डिस्प्ले लगा के हम लोग उसको बेचेंगे। इसमें सबसे बड़ा है कि हम लोग का एंटी रसेस है, एलोवेरा का कोटेज चढ़ा हुआ है जिसमें आपका रसेस नहीं होगा। दूसरे ब्रांड में आप जाइएगा तो बच्चा लोग यदि लीकेज का प्रॉब्लम होता है, इसमें लीकेज नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो ये चीज़ हमको दुकानदार को बताना है, दुकानदार अपना कस्टमर को बताएगा तो हम लोग का ये सेल बढ़ेगा। आपको 50 रुपया पर सीएनटी का इंसेंटिव है। ओम ओम। आज हमारा डाई प्रोडक्ट है डाइपर। डाइपर पे हर एक आउटलेट पे फोकस करना है, ठीक है। विजिबिलिटी पे फोकस करेंगे, जब तक हमारा माल दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं। ये हम लोग का आज का ड्राई प्रोडक्ट है,
ये चौन प्रभा के नाम से हम लोग का आया हुआ है चौन प्रास का। इसको हम लोग आज सारे आउटलेट में इसको प्लेस करेंगे। फोकस ब्रांड आज हम लोग का ये रहेगा, ठीक है। ये हम लोग इसका MRP जो है 400 रुपीज है। मार्जिन 20% का मार्जिन है हम लोग का इसमें। ये पहले हम लोग का नया प्रोडक्ट लॉन्च है, इसलिए हम लोग का आई लेवल पे होना चाहिए। 750 ग्राम इसका वेट है, 20% का मार्जिन है। आज हम लोग का ये ड्राई रहेगा, ठीक है। ठीक, और किसी कोई कंफ्यूजन है? इन सब बातों पर चर्चा के बाद सभी सेल्समैन अपने मार्केट के लिए रवाना हो जाते हैं। सुबह अपने समय से सभी गोडाउन स्टाफ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पहुंचते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद अपने अपने अटेंडेंस बनाते हुए गोडाउन में एंट्री लेते हैं। यहां रजिस्टर में साइन करते हुए अपने अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी के गोडाउन डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले सामान की रखरखाव से लेकर पैकिंग तक सब कुछ इनकी जिम्मेदारी होती है। यह है गोडाउन स्टाफ। स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी की हार्ट बीट कहे जाने वाले और अपने कार्य को बहुत ही सुक्ष्मता से निभाने वाले ऑफिस स्टाफ अपने सिक्योरिटी चेक के बाद अटेंडेंस बनाते हुए ऑफिस में एंट्री लेते हैं। कैश और बिलिंग काउंटर अपने विंडो को खोलते हुए ऑफिस वर्क की शुरुआत होने का इशारा करते हैं। स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी अपने ग्राहकों को हेल्प डेस्क के जरिए सभी प्रकार की मदद और जानकारी देती है। यहाँ हेल्प डेस्क अपने ग्राहक को नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ उनके कई फायदे बताते हैं। स्वामी जी की एक और सपने को हकीकत की आकृति दी जा रही है और यह है आचार्य कुलम। 15 एकड़ में फैला यह भव्य संरचना आधुनिकतम ज्ञान, वैदिक शिक्षा और संस्कार के साथ आने वाले एक अच्छे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। LKG से लेकर कक्षा 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा शुरू की जा रही है। और हर साल 2-2 कर और कक्षाओं का विस्तार किया जाएगा। रांची के नामकुम में बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके और इसके लिए पतंजलि की ओर से आचार्य कुलम विद्यालय की स्थापना की गई है। हेल्प डेस्क के जरिए स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी दे रही है। समय बढ़ने के साथ कामकाज में और तेजी आ जाती है। कैश काउंटर और बिलिंग काउंटर में कस्टमर बिलिंग करवाते हैं। ऑफिस में कस्टमर एग्जीक्यूट अपने सभी कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं और उनके जरूरत के अनुसार सभी जानकारियां दी जाती है। सुबह के समय कुछ स्टाफ व्हीकल ट्रांसफर का काम करते हैं। दिन भर के होने वाले सभी कार्य की रिपोर्ट की तैयारी करते हैं। कुछ स्टाफ परचेज की एंट्री, कुछ ईमेल की जानकारी लेना, कोटेशन बिलिंग बनाना, कस्टमर डीलिंग करना, ये सभी कार्य ऑफिस स्टाफ के जरिए किए जाते हैं। जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट के जरिए अकाउंट्स की बारीकी से देखरेख की जाती है। अकाउंटेंट अपने कार्य को करते हुए बहुत ही सूक्ष्मता से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। सुबह बॉस दिन के होने वाले सभी कार्य की जानकारी अपने ऑफिस स्टाफ से लेते हैं और आगे होने वाले कार्य का निर्देश देते हैं। स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी पूरे रांची में लगभग 3000 से भी अधिक रिटेलर्स के साथ
पतंजलि के प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। इनमें बड़े छोटे सभी रिटेलर्स पतंजलि की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। इसे बड़ी ही दक्षता के साथ कंपनी के DSM, SO, ASM, ZM निभाते हैं। पतंजलि के DSM अपने सभी ऑर्डर्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए ही बिलिंग करते हैं। सभी रिटेलर्स की जानकारी उनकी एप्लीकेशन में दी जाती है। एक DSM के लिए ऑर्डर बुकलेट दिखाना बहुत ही अनिवार्य होता है, ताकि प्रोडक्ट का कोई ऑर्डर छूट ना जाए। एक DSM पूरे ऑर्डर प्रक्रिया को पूरा कर जो भी बिलिंग की अमाउंट होती है उसे रिटेलर्स को दिखाकर ही फिर बिल प्रिंट का ऑप्शन देते हैं। उसी बिल का प्रिंट ऑफिस के प्रिंटर से निकाला जाता है और समाप्ति के वक्त साप्ताहिक विजिट में रिटेलर्स से उनकी अमाउंट और सिग्नेचर की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सभी SO को सप्ताह में सभी रिटेलर्स के पास विजिट करना अनिवार्य होता है। सभी गोडाउन स्टाफ अपने काम को समय से पूरा करने के लिए अपने कार्य में जुटे रहते हैं। सिक्योरिटी मेन गोडाउन में सभी सामान का देखरेख करते हैं। अगर कोई सामान अपने कतार में ना रखा हो तो उसे सही स्थान पर रखने का निर्देश गोडाउन स्टाफ को देते हैं। मार्केट में डिलीवर के लिए गई हुई गाड़ियां और अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में आना शुरू हो जाती है। यहां फिर से सिक्योरिटी चेक से इन्हें गुजरना पड़ता है। अगर मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट किसी कारणवश वापस आती है तो उसे सेल्स रिटर्न रूम में रिटर्न रखवाना अनिवार्य होता है। सभी ड्राइवर एक एक कर सेल्स रिटर्न रूम में बैठे स्टाफ के पास जाकर सेल्स रिटर्न रूम की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सेल्स रिटर्न स्टाफ भी अपने जिम्मेदारी के अनुसार सेल्स रिटर्न की एक पर्ची ड्राइवर को देता है। ड्राइवर उस पर्ची के साथ कैश काउंटर में दिन भर के हिसाब किताब की पूरी जानकारी को देता है। कुछ गाड़ियां सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से सामान लेकर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर आती है। ये प्रोडक्ट परचेस के जरिए मंगाया जाता है। फिर इन गाड़ियों को उनके स्थान पर खड़ा कर तुरंत इन्हें खाली करने का निर्देश दिया जाता है। गोडाउन का काम अब समाप्ति की ओर है। सभी सामान जो पैक किए गए हैं उन्हें पैलेट के जरिए डिस्पैच एरिया में ले जाने को तैयार किया जाता है। फिर गोडाउन मैनेजर चेक पास के जरिए सामान को छोड़ता है। डिस्पैच एरिया में खड़े सिक्योरिटी द्वारा फिर से पैलेट में लोड सामान की गिनती की जाती है। फिर उसे ओके के जरिए डिस्पैच एरिया में रखा जाता है। अगले दिन के लिए फिर से मार्केट में प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए जाने वाली गाड़ियां अपने स्थान पर खड़ी की जाती है। गोडाउन स्टाफ के जरिए पैलेट से सामान लाया जाता है। गिनती के बाद निर्देश अनुसार ड्राइवर के द्वारा गाड़ी के दरवाजे को खोला जाता है। सामान लोड की जाती है।
फिर गाड़ी को ताला लगाया जाता है। इस प्रकार सभी गाड़ियां एक एक कर मार्केट जाने के लिए तैयार की जाती है। दिन में मार्केट से ऑर्डर लेने के बाद सभी डीएसएम मीटिंग रूम में जमा होते हैं। ओम और आप लोग का कैसा रहा रिजल्ट चौन प्रभा का? हम लोगों का आज आप लोग मार्केट में चौन प्रभा कितने कितने प्लेस किए हैं? 2 से 3 प्लेस किए आप लोगों ने। डिवीजन के अनुसार एसओ सभी डीएसएम से मार्केट की जानकारी लेते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, चौन प्रभा का ड्राइव हम लोगों ने आज, सपोज सुधीर आपने कितना ड्राइव किया आज आपने? 35 आपने कॉल किया, 27 आपका पीसी, ठीक है आपका अप्रोक्स 8 केस के आपका अप्रोक्स निकला है। ठीक है, हम लोग इसको अभी कंटिन्यूसली ड्राइव में रखेंगे 3 दिनों का। ठीक है, 3 दिनों का ड्राइव रहेगा, हम लोग इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट में प्लेस करना है हम लोगों को इसको अभी। ठीक है, मैक्सिमम प्लेस करेंगे ताकि वो विजिबल भी हो, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को, भी कॉन्सेंट्रेट करना है मार्केट में। एसओ डीएसएम से उस दिन की काउंटर विजिट और सेल्स अमाउंट का रिपोर्ट देते हुए कई प्रकार की रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं, जैसे उस महीने के डीएसएम इंसेंटिव रिपोर्ट, आपको कोई और मार्केट से कुछ भी और आपको कोई दिक्कत किसी को मार्केट से किसी प्रकार की परेशानी होने पर डीएसएम अपने एसओ को उस विषय की जानकारी देकर उस समस्याओं का समाधान करते हैं। ओम सर। और आज का मार्केट कैसा रहा? आज हमने डायपर पे फोकस किया था सुबह में गेट मीटिंग में, और हमने कहा था कि सारे लोग डायपर पे फोकस करेंगे और हर एक आउटलेट पे इसका प्लेसमेंट होना चाहिए। हमारे पास हर रेंज का डायपर आज अवेलेबल है। नॉन फूड के एसओ डीएसएम इंसेंटिव, स्लो मूविंग आइटम यानी जो प्रोडक्ट की सेल कम है उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने की तकनीक पर चर्चा करते हैं। स्वदेशी गौरव जैसे बड़े स्कीम पर भी चर्चा की जाती है ताकि पतंजलि के सेल को और बढ़ाया जा सके। यहाँ तक कि पर्सनल डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। बिलिंग पूरी हो जाने के बाद बिल के प्रिंटआउट को ऑफिस स्टाफ द्वारा सिलेक्शन टेबल पर लाया जाता है। यहाँ उपस्थित स्टाफ बिल प्रिंटआउट को रूट के अनुसार ड्राइवर के लिए बांटते हैं। एक बिल में सुविधा अनुसार हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। ड्राइवर एवं डीएसएम के नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर भी दिया जाता है ताकि रिटेलर को किसी प्रकार की असुविधा होने पर उनका समाधान किया जा सके। बिल को पूरी तरह बांटने के बाद उसे बंडल के रूप में तैयार किया जाता है, फिर उस पूरे बिल के बंडल को स्टाफ द्वारा गोडाउन में पहुंचा दिया जाता है। यह थी स्वदेशी प्रोडक्ट एजेंसी की सुबह से शाम तक की कार्यशैली। माननीय श्री छवि विरमानी जी की कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए उतना ही कम है। पतंजलि के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक पूरे समर्पण, भक्ति भाव तथा निस्वार्थ भाव से पतंजलि के उत्पाद को लोगों के बीच पहुंचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हैं। झारखंड में पतंजलि को उस मुकाम तक पहुंचाने का पूरा श्रेय माननीय श्री छवि विरमानी जी और उनके सुपुत्र श्री वरुण विरमानी जी को जाता है। पतंजलि परिवार माननीय श्री छवि विरमानी जी का सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद।